बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसमें हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा और लेज़र को देखा। तो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक ज़्यादातर बोहर्स थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड है। तो हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं जी। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इज इमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट N3 टू स्टेट N1। यानी कि इस सवाल में आपसे कह रहे हैं कि जी, अगर हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में, अगर हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो स्टेट N3 यानी थर्ड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आता है, तो जाहिर बात है बोहर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि वो रेडिएशन को इमिट करेगा। तो जो रेडिएशन वो इमिट करेगा, उस रेडिएशन की वेवलेंथ हमें बतानी है। यानी कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट है N=1, और दूसरे को हम स्किप कर देते हैं जी। ये हमारे पास तीसरा ऑर्बिट है जी N=3, यानी कि ये एक्साइटेड ऑर्बिट है, और ये जो है हमारे पास ग्राउंड ऑर्बिट है। आपसे कहा जा रहा है जी कि हाइड्रोजन में ट्रांजिशन हुई है जी, हाइड्रोजन एटम में कहां से, फ्रॉम स्टेट N3 टू N1, यानी कि यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन था और ये ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। ठीक है जी, फ्रॉम N3 टू N1, यानी कि थर्ड ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस पहले ऑर्बिट में आ रहा है। अब हम जानते हैं जी, बोहर थ्योरी में हमने जो है बोहर थ्योरी इस चैप्टर में पढ़ी है कि जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है, तो वो एक फोटोन को इमिट करता है। उस फोटोन की एनर्जी होती है जी, एनर्जी का फॉर्मूला है H μ, और उस फोटोन की जाहिर बात है एनर्जी भी है, फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी होगी। आपको वेवलेंथ बतानी है, व्हाट इज दी वेवलेंथ, यानी आपको ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है, इस फोटोन का आपने वेवलेंथ बताना है। अच्छा जी, अब यहाँ के न्यूमेरिकल्स में दो मामले हो सकते हैं जी। एक, या तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक्साइटेड ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में आ रहा है, या फिर दूसरा मामला ऐसा भी हो सकता है जी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा होगा। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों सिचुएशंस में बस ये देख लीजिएगा NF और NI क्या होता है। अगर आप किसी स्टेट की बात करोगे तो ये आपके पास है इनिशियल ऑर्बिट, ये आपके पास है फाइनल ऑर्बिट। और अगर आप इस कंडीशन की बात करते हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, तो फिर ये वाला जो ऑर्बिट है, सपोज करें ये 1 है, तो ये हो जाएगा इनिशियल ऑर्बिट और ये हो जाएगा ये आपका फाइनल ऑर्बिट। ठीक है जी, ये सपोज कर ले 3 है, तो ये फाइनल ऑर्बिट है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो इनिशियल ऑर्बिट है, जहां गया वो फाइनल ऑर्बिट है। ठीक है जी, और बड़ा मशहूर जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा वो यही वाले होंगे जी, वेवलेंथ वाले, RH, ठीक है जी, 1/NF²-1/NI²। ये वाले फॉर्मूले ज्यादातर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, या फिर हमें ये एनर्जी वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है किसी न्यूमेरिकल में, अगर एनर्जी हमें चाहिए होगी। अब जरा ये हमने थोड़ा सा जो है वो ट्रांजिशंस के हवाले से जो है बात को रिपीट किया जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, तो अब इस न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं हम। सब मिटा देते हैं जी, और अब हम इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को दोबारा पढ़ लो जी, और से देख लेते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यानी हमें वेवलेंथ यानी कि लैम्डा बताना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन That is emitted, जो कि emit हुई है ना radiation, उसकी wavelength आपको बतानी है। When an hydrogen atom undergoes a transition from state N3 to N1, यानी N3 से N1 पर आ रहा है, तो N3 हमारे पास हो गया है जी initial orbit, NI यानी initial orbit हमारे पास कितना है जी, third है, और final orbit जो है कहाँ पर आ रहा है वो 1 पर आ रहा है, तो ये final हो गया। ठीक है जी, N3 हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास इनिशियल ऑर्बिट हो गया, ये हमारे पास फाइनल ऑर्बिट हो गया। इनिशियल फाइनल का बस ख्याल रखिएगा, अदरवाइज तो भी ये न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं। जबकि
हमें यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट की भी जरूरत हो सकती है, जाहिर है बल्कि होगी भी, 1.097 इसकी वैल्यू याद रखिएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट की कभी कभार दे देते हैं कभी कभार नहीं देते, 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10^7 और इसका यूनिट होता है मीटर माइनस 1 पावर या पर मीटर। ठीक है जी, चलिए जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला जो हमने बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स में हमने ड्राइव भी किया था जब हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी थी, वो फॉर्मूला क्या है जी, 1/ यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/ nf² माइनस 1/ ni² इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और ये वेवलेंथ हम निकाल लेंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप चाहें तो एंड में डाल दिएगा, अभी तो हम जरा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो मैं RH ही लिख देता हूँ। 1/ फाइनल ऑर्बिट, हमारे पास इलेक्ट्रॉन तीसरे से जंप होकर पहले पर आया तो पहला हमारे पास फाइनल ऑर्बिट हो गया 1² माइनस, और जिस इलेक्ट्रॉन से वो जंप करके आया जिस ऑर्बिट से वो थर्ड है तो 3² ठीक है जी। RH अभी फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं जी, ये 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है जबकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है जी, RH, अब आप यहाँ LCM ले लेंगे, आप यहाँ LCM लें तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 1 हो जाएगा। LCM आप लोगों को आता होगा, तो ये हमने LCM ले लिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं जी। अब यहाँ पर हम पूरा लिखते हैं जी, 1/ वेवलेंथ इक्वल्स टू RH, और अब ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 8/9। अब हम रिडबर्ग कांस्टेंट लिख लेते हैं जी, 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10^7 मल्टीप्लाई बाय 8/9। ठीक है जी, अब 10^7 तो एज इट इज रखेंगे, ये जो 1.97 है इसको पहले हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर डिवाइड करेंगे 9 से। 1.097 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और देन उसके बाद हमने 9 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 0.975। यहाँ लिख देता हूँ 0.975 मल्टीप्लाई बाय 10^7। ये जी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, हमें सिर्फ वेवलेंथ चाहिए नॉट रेसिप्रोकल। तो अब हम पूरी इक्वेशन को जो है वो रेसिप्रोकल कलेक्ट कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये 1/ वेवलेंथ से वेवलेंथ हो जाएगा, ये जो 0.975 है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/0.975 हो जाएगा, जबकि इसकी पावर आप माइनस में लिखते हैं 10^-7, यानी पूरी इक्वेशन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये जो है वन, इसको हम सॉल्व करते हैं जी, 1/0.975 ये हो जाएगा 1.025 लैम्डा इक्वल्स टू 1.025 मल्टीप्लाई बाय 10^-7। ये मीटर में जी चाहें तो आप मीटर पे ही आंसर छोड़ दें, और अगर आप इसको दूसरे यूनिट में लेकर आना चाहें तो, यानी कि अगर ये 10^ खत्म करना चाहें तो हम इसको माइक्रोमीटर में भी ला सकते हैं इस आंसर को। माइक्रोमीटर में हमें पता है जी 10^-6 होता है। ठीक है जी, तो हम एक पॉइंट को इधर कर लेंगे, ठीक है जी, एक पॉइंट को हम इधर कर लेते हैं तो ये 10^6 हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, जरा नेट हैंग करता है जी। हम अब चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहें तो हम इसको किसी भी यूनिट में ला सकते हैं, तो 2-3 यूनिट में आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको पहले अंगस्टन में लाता हूँ, तो पॉइंट यहाँ पर है जी, 1, 2, 3 इधर ले आते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू, 3 डिजिट्स मैंने आगे कर दिए, 1025 हो जाएगा। अब आपको पता है जी, अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं तो पावर माइनस में आती है जी, तो 3 डिजिट्स लेके गए तो -3 इसमें हम और डाल देते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10^-10, और 10^-10 जो है वो डिग्री अंगस्टन हो जाता है, तो ये 1025 डिग्री अंगस्टन में आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, ये वेवलेंथ अंगस्टन में आ गई। ठीक है, आपकी मर्जी है आप इसको अंगस्टन में लाएं, अगर आप इसको जो है वो नैनोमीटर में लाना चाहते तो नैनोमीटर में हमारे पास होता है 10^-9,
हम क्या करते हैं, तीन डिजिट्स नहीं दो डिजिट्स लिखे जाते हैं। यहाँ है ना पॉइंट, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ लिख देता हूँ जी मैं, दो डिजिट्स हम लेके गए तो ये हो जाएगा 102.5। अब दो डिजिट्स में चूके जो है वो इस तरफ लेके गया हूँ तो पावर माइनस में दो हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 10 की पावर -9, और -9 जो है वो नैनो हो जाता है, लिहाजा 102.5 नैनोमीटर। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, आप इसको मीटर में रखना चाहें ये भी आंसर सही है। अगर आप इसको अंगस्टन में लाना चाहते हैं तो आपको 10 की पावर -10 करनी होगी, अगर आप इसको नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो आपको 10 की पावर -9 में लिखनी होगी। तो ये था जी पहला सवाल, वेव लेंथ हमें मालूम करनी थी। अगर हाइड्रोजन के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर आता है तो जो रेडिएशन वो इमिट करेगा उसका वेव लेंथ हमें बताना था। तो थर्ड से पहले पर आया है तो थर्ड जो है वो इनिशियल ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट वन जो है वो फाइनल ऑर्बिट हो गया, और हमने जो है वो वेव लेंथ का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जी। ये है जी हमारा अगला न्यूमेरिकल जी, लाइट ऑफ वेव लेंथ 486.3 नैनोमीटर। ये आपको बताया जा रहा है कि एक लाइट है जिसकी वेव लेंथ है 486.3, हम लिख देते हैं जी वेव लेंथ कितनी हमारे पास 486.3 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे जी मीटर के अंदर, 486.3 मल्टीप्लाई बाय, नैनो को हटाते हैं तो हम 10 की पावर -9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वेव लेंथ हो गई मीटर के अंदर। तो आपसे न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, लाइट ऑफ वेव लेंथ 486.3 नैनोमीटर, यानी आपके पास 486.3 नैनोमीटर की एक लाइट है जो कि इमिट हो रही है हाइड्रोजन एटम से इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की ये ट्रांजिशन है। ठीक है जी, अब ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, मैं भी आपको बता देता हूँ, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। तो अगर ये वाली लाइट हमारे पास इमिट होती है तो हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ चमकी है। ठीक है जी, अब हमें पता है जी कि ये ऑर्बिट्स होते हैं, एक ये ऑर्बिट होता है, ये एक्साइटेड ऑर्बिट है एंड ये इनिशियल ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे जंप किया है जी, तभी आपकी लाइट जो है वो इमिट होती है। तो इसका मतलब है ये इनिशियल ऑर्बिट हो गया, ये फाइनल ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं जी कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जब जंप करता है तो वो लाइट को इमिट करता है, यहाँ लाइट इमिट हो रही है। इट मीन्स कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में गया, और जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट इनिशियल होता है, ग्राउंड स्टेट पे वो फाइनल होता है। आपको बताना है जी कि ये जो ऑर्बिट है ना, ये वाला ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला ऑर्बिट कौन सा है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुई है, कह रहे ना वॉट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल ऑर्बिट आपको बताना है। अब ये बाल्मर सीरीज है। ठीक है जी, अगर आपने आपको सीरीज याद हो तो हमारे पास हाइड्रोजन में 5 सीरीज होती है। थोड़ा सा सीरीज को रिपीट कर लेते हैं, हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम में ट्रांजिशन होती हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ये जो हमने पढ़ा था तो इसमें हमने एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट को ट्रांजिट किया था इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट करता है फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड, 5 सीरीज बनती है, लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीपर, इन सब में जो इनिशियल ऑर्बिट है वो कुछ भी हो सकता है, इनिशियल ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, हाँ फाइनल ऑर्बिट इनके फिक्स है। लेमन में फाइनल ऑर्बिट होता है 1, बाल्मर में फाइनल ऑर्बिट होता है 2, पैस्टियन में फाइनल ऑर्बिट होता है 3, ब्रैकेट में 4, पीफंड में 5। ठीक है जी, तो यहाँ में चूंकि बाल्मर सीरीज कहा है तो बाल्मर सीरीज का फाइनल ऑर्बिट हमें पता है 2। ठीक है, तो ये सीरीज को अब इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है, जो वीडियो हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो आप देख लीजिएगा। तो अब आते हैं जी वापस न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपसे कहा जा रहा है जी एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर है, वो इमिट कीजिए एक हाइड्रोजन एटम में। आपको बताना है हाइड्रोजन एटम कहाँ से कहाँ गया है, सीरीज है बाल्मर, बाल्मर सीरीज में हमारे पास जो फाइनल ऑर्बिट होता है वो 2 होता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है लेकिन किस में आ रहा होगा, फाइनल ऑर्बिट होगा 2। तो यहाँ फाइनल ऑर्बिट हमें पता है, इनिशियल ऑर्बिट बस हमें निकालना होगा, एन आई हमें
कैलकुलेट करना होगा, ठीक है जी। तो बस इन न्यूमेरिकल्स में ये चीज का ख्याल रखिएगा, बाल्मर सीरीज है तो फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, लेमन है तो कौन सा है। फाइनल ऑर्बिट तो इन सब में पता है आपको, लेमन में 1 है, बाल्मर में 2 है, पैसन में 3 है, ब्रैकेट में 4 है, पी फ्रेंड में 5 है। इनिशियल ऑर्बिट आपको निकालना है, ये भी ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा होता है तो इनिशियल ऑर्बिट आपका एक्साइटेड होता है, ग्राउंड स्टेट जो है वो आपके पास फाइनल होती है। उल्टे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी होंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहे होंगे, ये वाली ट्रांजिशन होगी। अब इसमें ये जो है वो इनिशियल ऑर्बिट हो जाएगा, एक्साइटेड जो है वो फाइनल ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें तो आपको इनिशियल फाइनल बहुत अच्छे तरीके से पता होती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप। बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स इतने कोई मुश्किल नहीं होते हैं। तो जिसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जी, अभी जो हमने जिस फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व किया था, वेवलेंथ हमारे पास मौजूद है, आर एच हम जानते हैं कितना होता है, ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/वेवलेंथ इक्वल्स टू आर एच 1/NF² - 1/NI² यही फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पर अब हमें एक डिफरेंट चीज मालूम करनी है, इनिशियल ऑर्बिट हमें मालूम करना है। वैल्यूज लिखते हैं जी, 1/वेवलेंथ हमारे पास है 486.3 × 10⁻¹⁹. आर एच की वैल्यू जो है हमारे पास होती है 1.097 × 10⁻¹⁹. ठीक है जी। अभी इस ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यहाँ का सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं 1/NF जो है हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर करना होगा, NI हमें मालूम करना है, ठीक है जी। अब ये आर एच जो है रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं जी 1/ वेवलेंथ हमारे पास है 486.3 × 10⁻¹⁹. और ये रिडबर्ग कांस्टेंट भी अब दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 1.097 × 10⁻¹⁷. यहाँ पर हम n, ये जो 2 है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, NI² एडिटिव लिखेंगे, ठीक है जी। अब जरा इसको नीचे कर दूं मैं, जरा तो अब हम ये जरा नीचे के सॉल्व करते हैं जी, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.097 से, ये हो जाएगा जी हमारे पास, हम यहाँ लिख देता हूँ 1/ ये जो है दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया आया जी 533.47 × 10⁻¹⁹ कितनी जाएगी जी, -9 है प्लस 7 है -2, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, 1/4 − 1/NI² अरे जी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है साइंटिफिक म्यूटेशन वाली, इसको सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जी कि ये 1/4 इधर आएगा, इसको हमें सॉल्व करना होगा। हम जो है दो पॉइंट जो है वो इधर ले आते हैं, 5 और 3 के बीच में पॉइंट ले आते हैं, 10⁻²+2 आ जाएगी, +2 − 2 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5.33, ठीक है जी। पॉइंट यहाँ था, मैं इसको दो पॉइंट इधर ले आया, हमें पता है जब राइट साइड पर लाते हैं तो पावर प्लस में आती है, तो दो पॉइंट है, इसका मतलब है +2 पावर आ गई, 10⁻²+2, 10⁻²−2 कट गई, यहाँ क्या बचा 1/4 − 1/NI² रीअरेंज करेंगे जी, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/NI² = 1/4 + 1/5.33। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जी हम, 1/NI² 4 और 5.33 का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5.33 ये हो जाएगा
21.32। अब जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 5.33 आ जाएगा, और जब आप 5.33 से सेल्सियम को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। 1/ni² इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.33 डिवाइडेड बाय 21.32। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं जी, 9.33 डिवाइडेड बाय 21.32। हाँ एक मिनट जरा, अरे जी हम इस पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा ni², ये हो जाएगा 21.32 डिवाइडेड बाय 9.33। अब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर देंगे, 21.32 डिवाइडेड बाय 9.33, ये तकरीबन आएगा आपके पास 2.82। यहाँ कुछ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, एक मिनट रुकते हैं जरा। करी वो ये कि ये जो प्लस का फ्रैक्शन है ये अगर दूसरी साइड पे आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। जरा ये देख लीजिएगा, ये माइनस का फ्रैक्शन था जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके गया तो ये तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था इधर आकर के ये माइनस का होना था, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास 9 के बजाय जो है वो 1 आ जाएगा, और इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी 9 के बजाय 1 आ जाएगा। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये हमने रेसिप्रोकल किया इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा ni² एक तो ये बोलता हाँ। अच्छा इधर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 21.32 डिवाइडेड बाय 1.33, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 16, और 16 का आप रूट ले लेंगे तो आपके पास इनिशियल ऑर्बिट आ जाएगा 4। 4 था जी वो ऑर्बिट जहां से ये जंप करके आया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो है सेकंड ऑर्बिट से, यानी कि जो शुरुआती ऑर्बिट था, चौथा ऑर्बिट था जी वो, जहाँ से ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट पे आया, सो बाल्मर सीरीज भी हो गई, और जो फोटोन रिलीज हुआ वो फोटोन का वेवलेंथ जीता। तो ये हो गया जी दो सवाल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये जी अब हमारे पास अगला सवाल, एक मिनट देख लो, एक दो हाँ, ये जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास, ठीक है जी। तो भाई स्पेक्ट्रम ही से रिलेटेड घूमेंगे, तो जरा देख लीजिएगा, थोड़ा एनर्जी वाला आ जाएगा, बल्कि आ ही गया। अच्छा अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं, अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटॉन। आपके पास एक हाइड्रोजन एटम था जो कि उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ पर था, आपने आपके हाइड्रोजन एटम ने फोटॉन एब्जॉर्ब किया और ये जंप मार के एक दूसरे ऑर्बिट पे, एक्साइटेड ऑर्बिट पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये ऐसे जंप मार के ऊपर चला जाएगा। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट गेट एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग अ फोटोन। अब ये जो इसने फोटोन अब्सॉर्ब किया है, इसका एनर्जी है 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, ये एनर्जी दी हुई है फोटोन की। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, यानी ये जो दो स्टेट्स हैं एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इनके क्वांटम नंबर्स आपको बताना है, यानी इनकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है जी। तो इसको आप कह लो इनिशियल ऑर्बिट है, इसको आप कह लो फाइनल ऑर्बिट है, तो आपको NF और NI आपको बताना है। Find the quantum number of this state. तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट तो हमें पता है जी हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ये तो हमारे पास खैर 1 ही होगा, हाँ ये बताना हो जाएगा असल में, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ ना, ग्राउंड स्टेट की 1 होती है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है वो है ग्राउंड स्टेट पर, यानी कि उसकी Ni की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। उसके बाद वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है जी 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फोटोन की एनर्जी को हम डेल्टा ई लिख देते हैं जी, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है फोटोन की एनर्जी, ये दोनों लेवल की डिफरेंस के बराबर भी होती है, तो इसको हम कहेंगे 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, यानी कि जिस स्टेट पे ये गया है फर्स्ट ऑर्बिट से, इतना फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद जिस स्टेट पे जाएगा उस स्टेट का क्वांटम नंबर आपको मालूम करना है, NF आपको बताना है, ठीक है जी। तो ये है जी न्यूमेरिकल, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व, न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि यहाँ पर है। ग्राउंड स्टेट की वैल्यू हाइड्रोजन में हमें सबको पता है जी, फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ऑर्बिट में होता है, Ni होगी आपके पास 1।
फिर उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया 12.15 का और ये जंप मार के एक एक्साइटेड ऑर्बिट पे चला गया। आपको उस एक्साइटेड ऑर्बिट का क्वांटम नंबर मालूम करना है। अरे जी, अब जहाँ यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी को हम कहेंगे ई आई, यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसकी एनर्जी को आप कहोगे ई एफ। ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट में है इसकी एनर्जी कहलाएगी ई आई, जब एक्साइटेड स्टेट पे चला गया इसकी एनर्जी कहलाएगी ई एफ। और हमने बोहर थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हम इन दोनों स्टेट्स का एनर्जी का डिफरेंस निकालें, यानी ई एफ माइनस ई आई, तो ये डेल्टा ई के बराबर होता है और डेल्टा ई जो है वो इसी फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है जो एब्जॉर्ब किया हुआ। ठीक है जी, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको फोटोन वाली। और फिर हमने जो है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी, हमने अगर हमें ये एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, ये वाली एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो इसके भी हमने फॉर्मूले निकाले हुए हैं, बनाए थे हमने जी, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये भी हमने ड्राइव किया हुआ। ठीक है जी, तो ये जरा ध्यान में रखेंगे दो फॉर्मूले हमारे पास इसमें, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले नहीं है, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले हम, अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। अब इस फॉर्मूले में ये जो डेल्टा ई है, दोनों एनर्जी, दोनों आपके पास जो स्टेट्स हैं ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, उनकी एनर्जी का जो ये जो डेल्टा ई फर्क है, ये उसी फोटोन के बराबर होता है जो आपके आपके इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया होता है, यानी कि ये आपके पास गिवेन है, ई एफ ई आई नहीं है। पहले ई आई निकालते हैं, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, फॉर्मूला क्या है जी, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एन। अब चूंकि यहाँ इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल ऑर्बिट हो जाएगा एन आई स्क्वायर, माइनस 13.6 एन आई, हमारे पास क्या है जी, ये लिखा हुआ 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी आ गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास ई आई आ गई। ठीक है जी, अब हम ई एफ निकालते हैं। अब ई एफ को निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है जी, ई एफ को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई। अब ये माइनस का है, डेल्टा ई के पास जाके प्लस का हो जाएगा, तो ई एफ का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ई प्लस ई आई। वैल्यूज डालते हैं जी, ये जो आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जीज है दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान फोटोन के बराबर है, और वो है जी आपके पास 12.15 प्लस, जबकि इनिशियल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, माइनस 13.6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोनों वैल्यूज को, अब आप माइनस कर दिएगा तो ई एफ आपके पास आएगा, ठीक है जी, 12.15 प्लस माइनस माइनस 13.6, ई एफ आपके पास आता है जी, लेट मी कैलकुलेट इट, और माइनस का आएगा जी क्योंकि माइनस साइन बड़ा है, माइनस 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिट पे जा रहा है वो ऑर्बिट का नंबर आपको पता करना है, पता तो आपको ये करना है, लेकिन आपने उस इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट में जो एनर्जी है वो आपने कैलकुलेट कर दी। अब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके वहां पर आप जो एन का नंबर है वो आप निकाल लोगे। अगर आपके पास ई एफ का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा जी, आपके पास माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय एन एफ स्क्वायर। एन एफ आपको मालूम करना है तो इसको आप रीअरेंज करेंगे, एन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय ई एफ। ई एफ की वैल्यू डालें इसमें, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय माइनस 1.45, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एन एफ स्क्वायर आपके पास आ रहा होगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1.45 आ रहा है 9.3799 लिख देते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर रूट कर लें आप, फाइनल ऑर्बिट आपके पास आ जाएगा थर्ड, ये जी आपके पास आंसर।
अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है अगर ग्राउंड स्टेट में होता है और वो ये वाला फोटोन 12.15 वाला फोटोन एब्सॉर्ब करता है, तो वो जंप करके थर्ड ऑर्बिट पर चला जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वाले न्यूमेरिकल पे। ये तरह एक जैसे न्यूमेरिकल थे तीन चार के, तो जरा एक को मैं समझाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ मैं दोबारा। ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। चले अभी पहले फर्स्ट सेकेंड की बात करते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है जी, और ये आपके पास कोई सा भी ऑर्बिट ले जाए एक्स वाई जेड। अब आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जम्प होके आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ऊपर से नीचे जम्प होता है तो ये फोटोन रिलीज करता है। वो फोटोन किसी भी सीरीज का हो सकता है, डायमन का भी, बाल्मर का भी, पैस्टन का भी, ब्रैकेट का भी, पी फंड का भी, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। ये फोटोन है जी, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जिस एक्साइटेड स्टेट पे होता है इसको हम कहते हैं इनिशियल ऑर्बिट। जब मार के जब ये नीचे आता है ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसको हम कहते हैं फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पर है, इनिशियल ऑर्बिट पर है, एक्साइटेड ऑर्बिट पे। तो जब मार के नीचे आएगा तो उस नीचे वाले ऑर्बिट को यानी ग्राउंड स्टेट को आप क्या कहोगे, एनएफ, ठीक है जी। अब ये फोटोन रिलीज हो रहा है। अब यहाँ सीरीज है जी, सीरीज के अंदर ये कॉन्स्टेंट होते हैं एनएफ। अगर आपके पास लेमन सीरीज है, एल फॉर लेमन, तो आपके पास एल एन एफ की वैल्यू क्या होगी, 1। बाल्मर सीरीज है तो एन एफ की वैल्यू क्या होगी, एन एफ की वैल्यू क्या होगी, 2। पैस्टन है तो 3, ब्रैकेट है तो 4, और पी फंड है तो 5, ठीक है जी। एन एफ की वैल्यूज तो आपको पता है। अच्छा, एन आई कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप लाइमन की बात करें तो पहला ऑर्बिट तो फाइनल है, इसका मतलब है एन आई जो है वो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी होती है कि ये है जी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड, थर्ड। यानी कि अगर मैं सिर्फ लाइमन सीरीज की, जैसे कि इस सवाल में किसकी बात हो रही है, पैस्टन की, तो पैस्टन सीरीज की स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। पैस्टन सीरीज में क्या होता है जी, आपके पास पॉइंटर का है मेरा, एक मिनट सर, पॉइंटर हिल गया मेरा, मैं पॉइंटर सही कर दूं, ठीक है। इस सवाल में क्योंकि पैशन सीरीज की बात हो रही है तो हम सिर्फ पैशन को देखते हैं। पैशन सीरीज में क्या होता है जी, आपके पास ये जो फाइनल ऑर्बिट होता है, पैशन है जी थर्ड सीरीज, फाइनल ऑर्बिट होता है थर्ड। हाँ, इनिशियल ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। ये जो इनिशियल ऑर्बिट है ये जो है 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये पैस्टन में डायमन होती तो एन एफ 1, एन आई जो है वो 2 से शुरू हो जाता है। बाल्मर होती तो एन एफ 2 और एन आई जो है वो 3 से शुरू हो जाता है। अब अगर चौथे से थर्ड पे आता है, चौथे से थर्ड पे आता है, तो ये आपको मिलती है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज। अगर पांचवे से थर्ड पे आता है तो ये आपको पैस्टन सीरीज की दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। छठे से आता है तो आपको पैस्टन सीरीज की थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा, पैस्टन सीरीज है, आप समझ जाओगे फाइनल ऑर्बिट क्या है, और अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस की जिक्र किया जा रहा है तो आप समझ जाओगे इनिशियल ऑर्बिट क्या है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए जी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज, तो हम समझ गए जी पैस्टन देख के कि फाइनल ऑर्बिट हो गया थर्ड, और थर्ड का मतलब हो गया जी, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होगा कि फाइनल इनिशियल ऑर्बिट क्या हो जाएगा हमारा, 6, ठीक है जी। ये किसी में भी हो जाएगा, तो ये बातें जरा जहन में रखनी होगी आपको, एक बात। दूसरी बात, वेवलेंथ बाजू का शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट आ जाती है, ऐसा भी होता है शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, तो ये जो होगी वेवलेंथ ये लॉन्गेस्ट होगी, इस पर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, और इन्फिनिटी पर शॉर्टेस्ट होगी। इन्फिनिटी से अगर जब मार रहा होगा तो शॉर्टेस्ट, यहां से जब मार रहा होगा तो लॉन्गेस्ट, ये। चले अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इन सब बातों को मिटाते हैं पहले तो जरा।
अच्छा जी, अब आते हैं इस न्यूमेरिकल पे, सॉल्यूशन पे। कैलकुलेट करें एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें, ई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, किसकी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किसकी जी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब आपको मैं बता चुका हूं, लॉन्गेस्ट का मतलब होगा जो बिल्कुल इनिशियल ऑर्बिट होता है। चलें पहले सीरीज पर देख लेते, कौन सी सीरीज है? पैस्चन। पैस्चन हमारे पास थर्ड सीरीज होती है, पहली होती है लायमन, दूसरी होती है बाल्मर, पैस्चन होती है थर्ड, थर्ड सीरीज है। इसका मतलब है एन एफ हो गया हमारे पास थर्ड, ठीक है जी, एन एफ हो गया हमारे पास थर्ड। एन आई जो है वो फोर्थ से स्टार्ट होगा, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जी बिल्कुल पहले, यानी फोर्थ की। अब चूंकि यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला हुआ है तो मैं यहाँ लिख दूंगा एन आई फोर, ठीक है जी। ये बस ध्यान में रखनी है, दो बातें ध्यान में रखनी है। सीरीज देख के आप फाइनल ऑर्बिट तो बता दोगे, लायमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट पी फर, 1 2 3 4 5, ये उसका फाइनल ऑर्बिट होता है। फाइनल ऑर्बिट तो आप बता दोगे, इनिशियल ऑर्बिट पर ख्याल रखना होगा, जो भी फाइनल ऑर्बिट है उसके बाद से आप इनिशियल ऑर्बिट शुरू कर देते हैं, यानी 3 है 4 5 6 7 8। अब जो बिल्कुल पहला इनिशियल ऑर्बिट होगा उस पर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट आती है, और बिल्कुल फाइनल यानी इन्फिनिटी शॉर्टेस्ट का होता है, ठीक है, एक बात। और अगर स्पेक्ट्रल लाइंस का जिक्र आ रहा होता है तो बस फिर काउंट करें, पहली स्पेक्ट्रल लाइन है एन आई फोर, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन है एन आई फाइव, एंड सो ऑन। तो हमारे पास कह रहे हैं जी कि आप बताएं एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है हमें, एनर्जी किसकी जी? अगर हमारे पास पैस्चन सीरीज है, पैस्चन सीरीज का मतलब हो गया फाइनल ऑर्बिट थर्ड है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है जी पैस्टन सीरीज में? जब इनिशियल ऑर्बिट फोर होगा, ठीक है जी। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास वैल्यूज है, बाकी आर एच और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें दी हुई है, साथ 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 जो है हमें लाइट की स्पीड भी दी है। सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू आर एच, ब्रैकेट में आएगा 1/nf² -ni² अब ये फॉर्मूले तो मैं आपको दो दफा लगा के दिखा चुका हूँ, लिहाजा अभी हम आर एच की वैल्यू को एज इट इज रख देते हैं जी। एन एफ हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एन आई हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है जी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, एलसीएम के लिए 9 × 1 = 6, एलसीएम में साइड में निकाल लेता हूँ, ये जो है यहाँ निकाल लेता हूँ आपको, ठीक है, 1/9 - 1/16, नीचे की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 144। अब ऊपर क्या आएगा जी, यहाँ पे 16 - 9, 16 में से आप 9 माइनस कर दें तो आपके पास 7 बचता है जी, 144, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया 1/वेवलेंथ, आर एच की वैल्यू डाल देते हैं 1.097 × 10^7, जबकि एलसीएम हमने यहाँ साइड में सॉल्व किया जी, 7/144। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 1.09 को, एक तो ये मेरा1.097 × 7 / 7 / 144, 0.053 1/वेवलेंथ = 0.053 × 10^7। रेसिप्रोकल कर देंगे, लेंथ वेवलेंथ हो गई जी 1/0.053 × ये पावर पलट जाएगी जी, माइनस साइन हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लें, वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी 1/0.053, ये हो जाएगा 18.86। क्या हो जाएगा जी, वेवलेंथ जो है वो 18.86 × 10^-7 m। अब ये वेवलेंथ आ गई है जी, लेकिन हमें वेवलेंथ नहीं, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी E=h μ0, और डेरिवेशन में हमने देखा हुआ है कि जो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होता है जी C/λ, ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो ये वैल्यू डाल देते हैं जी E=hc/λ। अब आप ये वैल्यूज पुट कर लें जी और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको कौन सा दिया हुआ है वैसे याद भी कर लीजिएगा, 6.63 × 10^-34, 6.63 ×
टेन की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और वेवलेंथ आपके पास है 18.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ये जो डेसिमल वाले नंबर है पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 18.86, ये हो जाएगा 1.05, 1.054। और ज़रा 10 की पावर देखें जी, 10 की पावर -34 है, ये है +8, और ये जो नीचे की -7 है ऊपर जाके +7 हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर दें तो ये 15 हो जाएगा, और 34 में से 15 आप निकाल दें माइनस का 19, 10 की पावर -19, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई है एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये जूल्स में आ रही है, ठीक है जी। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे आप इसको डिवाइड करते हैं, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, ठीक है जी। हमारे पास आंसर आ रहा है जूल्स के अंदर, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा जी। इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें, 1.054 डिवाइडेड बाय 1.67, 0.63, ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी का फोटोन जो है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये था जी सवाल, इसके अंदर आपसे जो है वो पैसन सीरीज की वेवलेंथ बतानी थी जी। अब अगले के कुछ दो तीन सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, एक ये है जी, ये होमवर्क होगा आपके पास सवाल, मैं इसका थोड़ा सा बस आपको लॉजिक बता देता हूँ। बाल्मर सीरीज है, अब बाल्मर सीरीज सेकेंड सीरीज होती है, इसका मतलब है फाइनल ऑर्बिट 2 हो जाएगा, बाल्मर सीरीज है इसका मतलब है फाइनल ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट, अब यहां पर इंफिनिटी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना लॉन्गेस्ट होती है तो एन आई हमारे पास हो जाता, अगर हमें बोलते ना ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालें, जैसे कि अभी अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें हमें लॉन्गेस्ट वेव निकालनी थी, तो बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब इनिशियल ऑर्बिट जो है वो क्या होगा 3, शॉर्टेस्ट पे क्या होगा, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पर हमारे पास इनिशियल जो किसी भी सीरीज का शॉर्टेस्ट होगा इनिशियल ऑर्बिट इनफिनिटी, इनफिनिटी होगा, कहीं से भी आ सकता है बहुत ही दूर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया हमारे पास इनिशियल ऑर्बिट जो है वो इनफिनिटी पर है, इनफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये बात का जरा ख्याल रखिएगा। लॉन्गेस्ट पहले तो सीरीज पता कर लिया करो, फाइनल सीरीज, सीरीज आपने देखी उस हिसाब से आपने फाइनल लिख दिया, लेमन है तो फाइनल आपने 1 लिखा, बाल्मर है तो 2, पैशन है तो 3, ब्रैकेट है तो 4, पीफंड है तो 5, उसके बाद देखे थे शॉर्टेस्ट है कि लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है तो आपके पास जो भी फाइनल ऑर्बिट है उससे एक आगे का इनिशियल ऑर्बिट हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट है तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगी, भले कोई भी सीरीज हो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप यहाँ वेवलेंथ निकालोगे, याद रखिएगा जी 1/, अब आपके पास फ्रैक्शन में आप करोगे ना 1/ एन आई स्क्वायर, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू जब डालेंगे तो 1/ एन आई हमारे पास कितना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर आप निकालें कुछ भी करें, इन्फिनिटी को जब आप रेसिप्रोकल करते हो 0 आंसर आता है, तो ये वाला फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने जो है सबसे पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी आपने, ठीक है जी, और फिर आपने उसकी एनर्जी भी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। वेवलेंथ आप जब निकाल लोगे तो फिर तो अभी आपने एनर्जी भी निकाली, एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, एच सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो आप वेवलेंथ निकाल चुके होंगे, एच और सी की वैल्यू आपको पता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे एनर्जी आएगी, लेकिन आपके पास किस में, जूल्स के अंदर, फिर उस एनर्जी को आप डिवाइड करेंगे 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से, तो ये अब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो सवाल वही है, बस सिर्फ सीरीज चेंज हो गई है, और शॉर्टेस्ट पिछले सवाल में लॉन्गेस्ट था, इस सवाल में शॉर्टेस्ट है, ये होमवर्क है जी आपका ये वाला सवाल। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये भी होमवर्क है,
ये भी होमवर्क है जी। अब इसमें देखें क्या कहते हैं, पैस्चन सीरीज है जी, पैस्चन थर्ड होती है, लेमान बाल्मर फिर पैस्चन। अब पैस्चन सीरीज है तो इसका मतलब है फाइनल ऑर्बिट हमारे पास हो गया थर्ड। अब यहाँ लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट नहीं दी हुई, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर लॉन्गेस्ट बोला हुआ होता ना, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पैस्चन सीरीज, तो मैं लिखता है Ni4। अगर मुझे बोला होता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताएं पैस्चन सीरीज की, तो मैं लिखता है Ni∞। लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की बात नहीं करी है, यहाँ इन्होंने कहा है जी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ बताना है। अब थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का भी मैं आपको कहानी बता चुका हूँ, एन एफ जो है वो 3 है, एन आई क्या हो सकते हैं जी, एन आई जो है वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन, या फिर इन्फिनिटी। तो जब ये वाला ऑर्बिट होता है आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी मिलती है, और इसको आप कहते हो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, इस वाले को आप कहते हो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, इस वाले को आप कहते हो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस पर आप कहते हो कि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हासिल होगी इस सीरीज की। अब यहाँ पर आपको थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन बोली गई जी थर्ड, इसका मतलब इनिशियल ऑर्बिट क्या हो गया, 6 हो जाएगा, इनिशियल ऑर्बिट 6 हो जाएगा। वेवलेंथ आपको बतानी है, लैम्डा आपको बताना है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, वही 1/λ = RH/Ni2 - 1/Ni2। तो भाई ये चीज जरा जहन में बिठा दिएगा बहुत अच्छे तरीके से, सीरीज देखें एन एफ पता कर लें, फिर देखें लॉन्गेस्ट शॉर्टेज बोली हुई है, तो जो भी आपकी सीरीज है उसकी लॉन्गेस्ट शॉर्टेज की कहानी आपको बता चुका हूँ, और थर्ड फोर्थ लाइन स्पेक्ट्रल लाइन है तो उसकी कहानी भी। तो ये आपके पास अगला सवाल होमवर्क होगा। उसके बाद ये वाला भी आपका होमवर्क है, ये मैं आपको ज्यादा होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी इसमें आपके पास देखा जी सीरीज कौन सी है, पी फंड, बिल्कुल लास्ट वाली सीरीज, लायमन बेलमर पैचर ब्रैकेट पी फंड। अब पी फंड बिल्कुल आखिरी सीरीज होती है, यानी पांचवी सीरीज होती है, फाइनल ऑर्बिट इसमें होता है 5। अब इनिशियल ऑर्बिट्स की रेंज क्या होती है जी, इनिशियल ऑर्बिट जो है वो 6 से स्टार्ट होगा, 7, 8 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे अगर हमें तो एन आई जो है वो हम 6 लेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे तो हम एन आई जो है वो इन्फिनिटी लेंगे, और अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे तो हम कहेंगे ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है, एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट भी और लॉन्गेस्ट दोनों, तो ये दोनों मैरिकल हो जाएंगे। शॉर्टेस्ट जब आप मालूम कर रहे होगे, जब आप शॉर्टेस्ट को मालूम कर रहे होगे तो आप जो है वो एन आई ले लोगे इन्फिनिटी, और जब आप लॉन्गेस्ट वेव लेंथ मालूम कर रहे होंगे तो आप एन एफ कहेंगे 5 और एन आई कहेंगे आप एक आगे कर लें 6। ठीक है जी, तो भाई ये इजी सवाल है, भाई ये समझ लें, दो सवाल है ये, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट फर्स्ट स्पेक्ट्रल सेकंड स्पेक्ट्रल, इसकी और मुख्तलिफ सीरीज की प्रैक्टिस होती जाएगी। सेम कुछ ही सवाल आपका यहाँ पर है जी, ये लेमन सीरीज इस बार आपको दी है मैंने, लेमन का मतलब हो गया पहली सीरीज है, एन एफ जो है वो 1 हो गया। जब हम शॉर्टेस्ट मालूम करेंगे तो हम एन आई जो है वो इन्फिनिटी ले लेंगे, जब हम लॉन्गेस्ट मालूम करेंगे तो हम एन आई जो है वो लेमन सीरीज है तो 2 ले लेंगे। ठीक है जी, तो इसको भी कैलकुलेट कर लिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अब आप पहले से प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर एक दो न्यूमेरिकल्स और हैं वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहले आप यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह।